दीपावली और छठ पर्व आते ही मिट्टी के दिए और दीपक बनाने के कार्य में कुम्हार परिवार जुट जाते हैं। इस दिन का कुम्हारों को इंतजार रहता है ताकि वो इसको बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकें। और ऐसे में असरगंज नगर पंचायत में कुम्हार के चाक तेजी से घूम रहे हैं। दीप घड़े और फुलझड़ियां, मूर्ति सहित कई तरह के मिट्टी की वस्तुओं को बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि जिस तरीके से बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक लाइट की बिक्री हो रही है, ऐसे में कुम्हारों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। इस कार्य से जुड़े कुम्हार समाज के लोग दिन रात एक कर पूरे परिवार मिलकर दिया सहित दीपावली और छठ के लिए आवश्यक मिट्टी से जुड़े सामान बनाने में जुट गए हैं। लेकिन महंगाई और चाक के लिए मिट्टी की अनुपलब्धता कुम्हारों को काफी खल रही है। मुंगेर से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। तो पहले दीपावली में जो दिया चल रहा था कि 200-500 जलाता था घर में, अब वो प्लास्टिक वो लड़ी आ गया चाइना माल, अब उसको छोड़ के दिया छोड़ के मिट्टी वाले दिया छोड़ करके लड़ी चला रहा है अब अभी फिलहाल। और जो चल रहा था चाय पीने वाले भांड, उसके लिए अब चल रहा है वो प्लास्टिक का गिलास निकल गया, और अब चल रहा है वो चीज लड़ी प्लास्टिक वाले डिबिया निकल गया है फिलहाल में, और बहुत कुछ ऐसा चीज निकल गया जो मिट्टी का सारे रोजगार चला गया। अब तो दीपावली लेकर के अभी फिलहाल में बना रहे दिया हो गया, कुप्पी हो गया, लवा भरने वाला कुड़िया हो गया, और दुपहरी सब हो गया, कलश हो गया, लक्ष्मी पूजा सब के लेके यही सब चल रहा है। बल्कि बहुत मारा खा गया वो लड़ी के कारण से, चाइना आइटम के कारण। छठ के लिए भी चला रहे हैं, वो भी मटके हो गया घरा, वो जो मिट्टी के चावल बनाता था दाल बनाता था, अब वो भी पीतल का निकल गया, पीतल ने उसको चौपट कर दिया। और मिट्टी का करीब करीब सारे चीज का दिक्कत चल रहा है, इसलिए जो भी अब जैसा बहुत ऐसा आदमी है कि पुराना पुराना जितना भी आदमी वो कहता ना मिट्टी की बर्तन चाहिए, पीतल में नहीं करेंगे। तो अभी आप लोग का उचित मार्केट में रेट मिलता है या नहीं मिलता है? उचित मार्केट में रेट मेहनत के हिसाब से अभी भी नहीं मिल रहा है। लोग वाक कहता है कि हाँ ये मिट्टी का तो है, ये है मिट्टी में पैसा नहीं है लगता है, इतना दाम कहिएगा इतना दिखे, लेकिन इसमें जितना मेहनत है एक भी बाल बराबर भी घास भी रह गया उसमें दुबड़ी, वो भी जो जल गया, जलने के बाद वो छेदा हो जाता है, छेदा होने के कारण में वो फिर बिल्कुल वो मेरा बर्तन बिल्कुल खराब हो जाता है, इसलिए उसको भी निकालना पड़ता है, बिल्कुल एक एक करके उसको निकालना पड़ता है, कंकाल ये बाल वो घास हुआ वो बिल्कुल निकालना पड़ता है। मिट्टी आप लोग कहाँ से लाते हैं? मिट्टी हम लोगों को तो हर एक जगह, तो अब तो दिक्कत कर दिया, आप किसी का खेत से भी लेने के लिए मना कर दिया, अब तो फिलहाल में किसी पोखर खनाने लगा तो उसमें जा करके मिट्टी का पैसा देते हैं ट्रैक्टर वाले को, फिर ला देता वो। जो आपका लागत गिरता है क्या उससे ज्यादा आपको इनकम होता है? लागत के हिसाब से, लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं तो कोई काम ना है तो फिर कि क्या करेंगे, सोच रहे हैं कि यही कर लेते हैं अपना, किसी तरह से नॉन रोटी चल रहा है, और उचित रेट जब मिले तो तब तो ठीक ठाक है, लेकिन उचित भी रेट नहीं चल रहा है मार्केट में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोग के लिए विश्वकर्मा योजना चालू की है, तो क्या कहेंगे आप उनके लिए? दिया था योजना, लेकिन उसके लिए तो अभी फिलहाल में अभी तक कोई लावत नहीं हुआ है, बाकी बात अब देखिए जैसे होगा उसे उसके हिसाब से प्रक्रिया आगे किया जाएगा उसके हिसाब से, अभी तो कुछ नहीं है। यहाँ पर पहले कई लोग जो है मिट्टी का जो है दिया बहुत चीज बनाते थे दीपावली के लिए, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अब बंद कर दिया आपके इलाके में, तो क्या कहेंगे उसके लिए? तो क्या करेगा कोई आदमी, अब सबका मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, सब मजबूर है, सब छोड़ छोड़ दिया ये सब काम, पैसा उसके हिसाब से मिल नहीं रहा है, खेतना पड़ रहा है, सारे बच्चे बित्रू सब मिलजुल के करना पड़ता है इसमें काम, उसके बाद भी फिर पैसा नहीं मिलता सही से। क्या नाम हो आपका? धर्मेंद्र पंडित। कहाँ के रहने वाले आप? मुंगेर जिला है, असरगंज गांव है। कितने आप लोग काम करते हैं यहाँ पे फिलहाल में? अभी ये मुश्किल से मुश्किल होगा 10 घर। तो 10 घर में कितने लोग अभी काम कर रहे हैं मिट्टी का सामान से बना रहे हैं? 10 घर में तो करीब करीब वही 5-6 घर के चल रहा है, बाकी सब छोड़ दिया। बाकी छोड़ दिया सर। जैसा कि दीपावली को लेकर हम कहना चाहते हैं कि मिट्टी का बर्तन जो होता है वो काफी शुद्ध होता है और उसको शुद्ध माना जाता है,
और ये काफ़ी दिनों से हम लोग का चलता आ रहा है, ट्रेडिशनल है। लेकिन बाज़ार में चीना मिट्टी का मूर्ति आने से इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि 2020 ईस्वी में कोरोना भी आया था, तो इस पर कीमत को लेकर काफ़ी असर पड़ा है, जिससे कीमत इसका घटा है, बढ़ा नहीं है। इसलिए हम लोग के स्वजाती लोग इसको कम बनाना पसंद कर रहे हैं और ये बिजनेस को छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने अभी विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया है, तो इसको लेकर काफ़ी खुशी है कि इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं, तो लोगों में काफ़ी समझ हो रहा है कि लोकल चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए और स्वरोजगार को भी बढ़ावा देना चाहिए और लोकल चीज़ों को खरीद के हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें काफ़ी खुशी है। लेकिन ये कहना चाहेंगे कि दीपावली को लेकर कि आप लोग है वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दीजिए, ताकि हम लोग को रोजगार सृजित हो और सभी लोग। पहले यहाँ पर कितने लोग जो है काम कर रहे हैं मिट्टी का दिए सब बनाते थे, और अभी कम क्यों हो गया? देखिए, हम लोग का यहाँ 25 घर स्वजाति लोग है, सब लोग इस रोजगार में जुड़े हैं। कुछ लोग इस रोजगार में उतना इनकम नहीं होने के कारण बाहर चले जा रहे हैं। इस वजह से ये रोजगार धीरे धीरे छूटता जा रहा है, क्योंकि इसमें इनकम ऑफकोर्स बहुत कम है और लोग मेहनत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग इस काम को छोड़ना चाह रहे हैं, लोग दूसरे काम को ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है और मेरे दादाजी का नाम से भगवान पंडित है, वो अभी इस काम को कर रहे हैं। आपका? मेरा घर असरगंज विक्रमपुर हुआ, साल से यही रोजगार करी रहल छियै, दैठा छलियै 4-5 घर, ओकरा में हमरा एठा पड़िया, हम ये घर अभी करी रहल छियै, बेची उची के खा रहल छियै। तखनी प्रिया समय पर कुछ बिक्री छलै, आब बिक्री हर तरह के सामान आबि गेलै, जे बाजार डाउन हो गेल छै, जे अखनी हमरा सनिक बिक्री जेह बिक्री होइ छै ओतने टा हम बेची खोची के खा रहल छियै। आब तऽ रोजगार हमरा छै नहि, जेकि हम जा रहल छियै, मट्टी भी मिलता नहि आरो कोइ तरह से जीवन पाली रहल छियै। यहाँ पर कितने घर बनाते थे? यहाँ पर यही 2-3 घर बना रहल छियै। और पहले कितना बनाते थे? पहले तो हर घर सब घर बनाता था, सब बनाए इधर से, तब 10-20 सालों से नहीं बने छे, मगर कि सब गुजर गए ना, तो बच्चा सनी नहीं करा लगले, एक खटनी होले, एक पैसा नहीं हुआ लगले, तो वह बाहर भीतर जावा लगले कमाए के लिए, इसी कारण से नहीं करे। क्या नाम हो आपका? हम श्याम बती देवी। कितने साल से बना रहे हैं? हम तो 50 साल से बना रहे छी। ऐसा माना जाता है पहले मिट्टी के, अभी भी मिट्टी के दिया शुद्ध होता था, शुभ भी होता था। हाँ, पहले सोचे रहे, अब तो हर तरह तरह के दिया आबी जाए छे, झालर मोती प्लास्टिक से निकाल के लगा ली छे, उतना बिक्री नहीं हुई छी।